हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पैराडाइज एजुकेटर चैनल में। आज हम क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 1 का एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं, जो कि पेज नंबर 14 में है आर एस अग्रवाल की। क्या है एग्जांपल? एक्सप्रेस 3 1/8 इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। ठीक है, ये का मैं फ्रैक्शन दे के रखा है, जो इस समय है एक तरीके का मिक्स फ्रैक्शन। पहले हम इस मिक्स फ्रैक्शन से इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हम इसे सॉल्व करेंगे और अपने डेसिमल फॉर्म ऑप्टेन करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में ये हमें दिया हुआ है 3 1/8, इसे हम कन्वर्ट करते हैं सिंपल फ्रैक्शन में, तो हो जाएगा 25/8। कैसे कन्वर्ट करते हैं? इस तरीके से करते हैं। 3 1/8 जो होता है, इसको आप लिख सकते हो 3 1/3 + 1/8। ठीक है, यहाँ पे आप एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी। तो 25/8 हमें सिंपल फ्रैक्शन में मिल गया है। अब हम इसे डिवाइड करेंगे और डेसिमल फॉर्म ऑप्टेन करेंगे। तो 25 को हम डिवाइड करते हैं 8 से, 8 3 = 24, रिमाइंडर बचेगा 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, 8 1 = 8, माइनस करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 2, फिर हम 0 बढ़ाएंगे, 8 2 = 16, रिमाइंडर बचेगा 4, 8 5 = 40। ठीक है, ये आपका रिमाइंडर बचेगा 0। तो आपका अगर देखा जाए 3 1/8 का सिंपल फॉर्म था 25/8, इसका डेसिमल फॉर्म हो जाएगा 3.125। तो यही इस वीडियो का, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने 3 1/8 का डेसिमल फॉर्म ऑब्टेन किया है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो जल्द आएगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।